सेगांव में किसान आंदोलन के समर्थन में 3 अध्यादेश निरस्त करने की मांग का ज्ञापन दिया गया। राज्यपाल के नाम प्रभारी तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में किसान कानून वापस लेने की मांग की गई। शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर गोविंद मुजालदा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह मंडलोई और ओम पाटीदार सहित अन्य नेताओं ने कृषि उपज मंडी में धरना दिया और दिल्ली आंदोलन के दौरान मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये भारत शासन के जो नए कृषि कानून लाए गए 2020 का, उसके विरोध में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके साथ में हम भी खड़े हैं, कांग्रेस कमेटी भी खड़ी है। उसी विरोध के चलते हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए महामहिम राज्यपाल के नाम से। क्या धरना भी दिया? जी हाँ, हमने पहले धरना दिया, उसके बाद में ये ज्ञापन दिया और उसके बाद में थोड़ा 2 मिनट का मौन रख के हमारे जो किसान लोग शांत हो गए उनका हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या नाम लिखते सर? मैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ है। किसान आंदोलन द्वारा नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। कृषि बिल लाया गया है, हम उसका किसानों के जो किसान जो विरोध कर रहे हैं उसके समर्थन में सभी लोग और हमारे सभी यहां पर उपस्थित किसान भाई आज के इस कार्यक्रम में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।